डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू केरलास रसोई। आज का मेरा रेसिपी है केरला रसम। रसम अलग अलग टाइप में बनाया जाते हैं, ये मेरा रेसिपी है और ये खाने के लिए बहुत टेस्टी है। और इसका फ्लेवर आप एक बार बनाओगे तो बार बार पक्का बनाएंगे। ये बनाने के लिए सबसे पहले चाहिए इमली। इमली थोड़ा पहले 10 मिनट पहले इसको भिगो के रखना है। ये इमली मेरा 2 साल पुराना है, अभी तक ख़राब नहीं हुआ। इमली कैसे स्टोर करना है वो वीडियो भी मेरा चैनल में है, आपको चाहिए तो वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे रखा है। और पानी डाल के रखने से वो थोड़ा अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा, तब तक हम बनाएंगे उसका पेस्ट। और थोड़ा सा लहसुन दिया और 1 चम्मच के लिए थोड़ा सा छोटा सा प्याज काट के दिया, और 1 चम्मच लाल मिर्ची का पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच टर्मरिक पाउडर, थोड़ा सा कड़ी पत्ते, उतना डाल के अभी हमारे इमली सॉफ्ट हो गया। वो इमली का पूरा इसमें डाल देना पानी के साथ और इसको अच्छी तरह पेस्ट करना। अब देखिए कितना अच्छा पेस्ट बन गया, इसी तरह का पेस्ट होना चाहिए। फिर इसको हम एक पतीले में या कोई भी बर्तन में डाल देंगे, साथ में पानी भी चाहिए। कितना पानी चाहिए आपको, कितना लिक्विडिटी है उसी का जैसे आपको पानी डाल सकते हैं। और मिर्ची का कंडेंट भी आपको कितना तीखा चाहिए, जैसे आपको नमक भी डाल सकते हैं, कितना आपको टेस्ट जैसे नमक। मैं इधर 1 चम्मच नमक डाल दिया और 1/2 से भी कम ये मेथी का पाउडर है, और थोड़ा सा हींग का पाउडर वो भी डाल के अच्छे से मिक्स कर लिया। अभी इतना अच्छा फ्लेवर आएगा ये मेथी से और हींग से। फिर इसको अच्छी तरह मिक्स करना, कोई भी लम्स उसमें नहीं होना चाहिए। फिर इसको स्टोव में रखना, बॉईल करना, मिक्स करते ही रहना, इसमें अच्छी तरह उबल आ जाएगा तब तक। अभी देखिए अच्छी तरह बॉईल हो गया, फिर स्टोव ऑफ करके तड़का देना है। तड़के के लिए आपको चाहिए तो नारियल का तेल यूज़ कर सकते हैं, अगर कोई भी रिफाइंड ऑयल अच्छा लगता है। और थोड़ा सा प्याज काट के दिया था, प्याज फ्राई होते ही ऐसे लाल मिर्च दिया और सरसों दिया और थोड़ा सा कड़ी पत्ता भी देके वो जो तड़का इसका ऊपर से डाल दीजिए। अभी वाह, इतना अच्छा फ्लेवर है, ज़रूर आप ये ट्राई करके देखिएगा। अब इसको हम सर्व कर सकते हैं चावल के साथ। चावल के साथ ये खाने के लिए बहुत टेस्टी है, वो भी गर्मियों में इसका टेस्ट और अच्छा लगता है। ज़रूर आप लोग एक बार ट्राई करके देखिए। अगर आप मेरा चैनल में नया है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, आपका सजेशंस भी कमेंट में दीजिए। फिर से मिलते हैं हम अगले वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग।